रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। ट्रैक पर ट्रेन के सामने किसी को देखने के बाद भी ट्रेन क्यों नहीं रुकती है, क्लिक कर जाने। जब हम रेलवे क्रॉसिंग पर होते हैं तो सामने दो बैरियर लगे होते हैं और जब ट्रेन आती है तो उस समय ट्रेन के फाटक बंद हो जाते हैं, जिससे कोई भी उस समय रेलवे लाइन पर न जा पाए। लेकिन कुछ समझदार लोग उस समय उस फाटक को क्रॉस करके रेलवे लाइन को पार करते हैं, जिससे कभी कभार दुर्घटना भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि जब रेल चल रही हो और सामने से कोई जा रहा हो तब भी ट्रेन उसको देखने के बाद भी क्यों नहीं रुकती। इस पोस्ट में बताएंगे कि ट्रैक पर अगर किसी जानवर या फिर इंसान के आ जाने के बाद भी ट्रेन क्यों नहीं रुकती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि अगर ट्रेन के सामने कोई चीज आती है तो ट्रेन को रोकने के लिए लोको पायलट को इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी। और कोई ट्रेन में 20 से 25 कोच वाली ट्रेन है और वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है तो इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने की कम से कम दूरी 850 मीटर होनी चाहिए। और अगर कोई सामान ले जाने वाली गाड़ी पूरी तरह से लोड हो और वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है तो उसमें इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने की मिनिमम डिस्टेंस 1 किलोमीटर होनी चाहिए।